चीन में कोरोना का कहर, अस्पतालों में बेड और दवाओं की कमी, लाशें रखने के लिए जगह भी नहीं। यूपर रूस का सबसे बड़ा हमला, रूस ने ड्रोन से कई क्षेत्रों को किया तहस नहस, यूक्रेन ने हमले को बताया आतंकी हमला। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की संख्या में हो सकता है इजाफा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बढ़ सकती है स्थायी सदस्यों की संख्या, महासचिव गुटेरेस ने की पुष्टि। पाकिस्तान में आतंक विरोधी सेंटर में आतंकियों का कब्जा, 24 घंटे से कैद में है अफसर, टीटीपी के 30 आतंकियों ने जमाया कब्जा। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस का बड़ा बयान, कहा भारत पाकिस्तान के बीच बने मतभेद को सुलझाना चाहते हैं, हम दोनों देशों के बीच वाक युद्ध नहीं चाहते। ट्विटर को लेकर बोले यूएन चीफ, ट्विटर पर अभिव्यक्ति की आजादी जरूर, मस्क के हाथ में प्रबंधन से लेन देन नहीं। विकासशील देशों को मिलेगा हर साल 30 अरब डॉलर, 30% भूमि और महासागरों की रक्षा पर अहम सहमति बनी, 10% समुद्री क्षेत्र संरक्षित। कश्मीर में जमात ए इस्लाम की 200 करोड़ की संपत्ति सील, घाटी में अलगाववादियों को फंडिंग देता है संगठन, लश्कर ए तैयब को कमांडर की प्रॉपर्टी भी इसमें है अटैच। अलीगढ़ हाईवे NH 91 पर सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल, मामले की जांच शुरू। औरैया में घना कोहरा के कारण पुलिया से टकराई कार, कार में सवार लोग बाल बाल बचे, पुलिया से टकराई कार, बाल बाल बचे लोग।